हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको अप्रैल मई जून में 2020 के कुछ बाइक आने वाले जिसको देख के और जिसका प्राइस सुन के आपको शौक लगने वाला है। अगर आपने सोच रखा है 2020 में बाइक लेने का तो इस वीडियो को देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं बहरा टेक्नो ब्लॉग। आज की लिस्ट में जो पहले नंबर पे वो सबका फेवरेट और मेरा फेवरेट अप्रिला आरएस V4। इटली की बाइक निर्माता कंपनी अप्रिला ने अपनी आरएस V4 इंडिया में लॉन्च करने का सोच लिया है। इस साल मई में ये बाइक इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे इंडिया में इस महीने आखिरी तक आपको BS6 बाइक आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए कंपनी का दावा है कि ये लास्ट आखिरी बाइक होगी जो कि BS4 में रजिस्टर्ड होगी, जिसकी वारंटी, इसलिए यहाँ पे प्राइस आपको सस्ता देखने को मिल सकता है। इस बाइक को बेहतरीन इटालियन डिजाइन दिया गया है। इसके अगले हिस्से में कंपनी का सिग्नेचर 3-पार्ट हेडलाइट सेटअप लगाया गया है। इस बाइक में कई जगह पर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल भी किया गया है। इस बाइक के फ्रंट में LED लगाई गई है, साथ ही साथ पीछे LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। हालांकि इस बाइक पर ड्राइवर के अलावा किसी अन्य यात्री के लिए सीट नहीं है, लेकिन ड्राइवर की सीट काफी चौड़ी दी गई है। इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 1078 cc V4 लिक्विड कूल्ड इंजन लगाया गया है। यह इंजन 214 bhp का पावर और 122 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है, जो कि 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। इसके अलावा यह बाइक राइड बॉय थ्रॉटल, स्लीपर असिस्टेड क्लच और अप्रिला क्विक शिफ्टर सिस्टम के साथ आती है। RS V4 फैक्ट्री फीटर टाइटेनियम एक्रोपोविक एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसका प्राइस जो होने वाला है, वो कंपनी का दावा ये है कि इंडिया में मैं इसका प्राइस इतना रखूंगा कि जिससे कि जो भी बाइक लवर है, स्पोर्ट बाइक या फिर सुपर बाइक, उसको ये आसानी से खरीद सकते हैं। जावा कंपनी का यजदी रोड किंग 250। रोड किंग इस ब्रांड का सबसे लोकप्रिय मॉडल है, जिसमें 250 सीसी के इंजन 2-स्ट्रोक इंजन था जो 16 bhp और 24 nm उत्पन्न करता है। इस कारण 90 के दशक में ये बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट की अच्छी विरोधी थी। इस बाइक की हैंडलिंग भी काफी अच्छी थी और इसके 140 किलोग्राम वजन के कारण इसका पिकअप भी तेज था। मार्केट में 2020 में यानी कि मई और जून में जो लॉन्च होने वाली है SD 250, उसके अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एक्चुअली में इसका इंजन जो होता है वो 249 सीसी होता है सिंगल सिलेंडर के साथ। अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो 25 hp होता है और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 21 nm यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ गियर जो होता है यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर के साथ। ब्रेक और टायर की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा जो कि ABS है, और पीछे यानी रियर की तरफ आपको देखने को मिलेगा सिंगल डिस्क। और अगर हम इसके टायर की बात करें तो फ्रंट टायर जो है वो भी काफी जबरदस्त है, 18 इंच का, और पीछे के टायर की बात करें तो वो 17 इंच का है। अगर हम प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसका प्राइस इंडिया में 1,20,000 से 1,40,000 के बीच रखा है, जो कि काफी कम है, काफी किफायती है। जो लोग इस तरह के बाइक चढ़ना पसंद करते हैं वो लोग आसानी से इस बाइक को खरीद सकते हैं। TVS मोटर कंपनी दूसरी बार BMW के साथ मिलकर बाइक बना रही है। इसे इस साल मई और जून में लॉन्च किया जाएगा। अगर हम इसके इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 312 सीसी के लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेंगे जो कि 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आएगा, जो कि 34 hp पावर और 27 nm टॉर्क जनरेट करने की संभावना है। यही आउटपुट आपको RR 310 में भी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोल मिल सकते हैं, साथ में ग्लाइड थ्रो टेक्नोलॉजी मिलने की संभावना है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली कलर्ड यूनिट हो सकता है, जिसके साथ कंपनी की स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी रहेगी, जिसकी मदद से अपने स्मार्टफोन को बाइक से कनेक्ट करके अपने बाइक को और फोन को एक साथ यूज कर सकते हैं। काफी कमाल का ये टेक्नोलॉजी होने वाला है। अगर इसके हम डिजाइन सीट्स की बात करें तो यहाँ पे सीट जो है पिछले बाइक जो कि RR 310 था उसके हिसाब से ही बनाया गया है। बाकी BMW को नजर में रखते हुए इस बाइक को 2020 में लॉन्च करने का सोचा है, जो कि आप नॉर्मल यूज करने के लिए काफी जबरदस्त है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो काफी किफायती, काफी जबरदस्त है, जहां पे आपको 1,20,000 से 1,60,000 के बीच आपको इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी काफी खूबसूरत और काफी अट्रैक्टिव बनाया गया है, उन लोगों को नजर में रखते हुए जो लोग स्पोर्ट बाइक वो भी हल्के यूजुअली यूज करना पसंद करते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आता है वो है सबके दिलों का धड़कन, सबके दिलों का जान, रॉयल इनफील्ड बॉबर। कंपनी ने इसमें LED के टाइम रनिंग लाइट्स के साथ ही LED हेडलाइट्स का भी प्रयोग किया है। इसमें कंपनी अब तक की सबसे हैवी क्षमता का इंजन प्रयोग कर रही है। इसके अलावा इसमें मैक्सिस टायर और दमदार अलॉय व्हील्स को शामिल किया गया है। इसका चौड़ा हैंडल बार और हुडल एग्जॉस्ट बाइक के लुक को और भी आकर्षक बनाता है। इस बाइक में कंपनी ने 838 सीसी की क्षमता का वी ट्विन फ्यूल इंजेक्शन इंजन का प्रयोग किया है, जो कि 90 PS की दमदार पावर
और 100 NM का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस बाइक की लंबाई 2160 mm, चौड़ाई 778 mm और ऊंचाई 998 mm है। इसके अलावा इसमें 19 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ही इसमें 3 डिस्क ब्रेक को भी शामिल किया गया है। इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। रॉयल इनफील्ड बॉबर कंपनी के कनेक्टिविटी फीचर्स को भी शामिल किया है, जिससे ये बाइक हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी। इसमें ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और GPS जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसका डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक है और ये बेशक हर बाइक लवर को पसंद आएगा। इसमें सिंगल सीट को शामिल किया गया है। बाइक का फ्यूल टैंक कंपनी के पुराने डिज़ाइन यानी पारंपरिक डिज़ाइन से ही प्रेरित है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इंडिया में जो इसका प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 2 लाख से 3 लाख के बीच, जो कि कंपनी का कहना है। हो सकता है इससे कम भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। इस प्राइस में रॉयल इनफील्ड अगर इस CC का हो, इस फीचर्स का हो, इस कॉन्फ़िगरेशन का हो तो ज़बरदस्त है भाई। देश की सबसे जानी मानी बाइक कंपनी एक बार फिर से मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए एक बाइक को लॉन्च करने का सोच रही है, हीरो HF3R। हीरो ने अपनी इस फ्लैगशिप बाइक को युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए स्पोर्टी लुक में डिजाइन किया है, ताकि ड्राइव करते वक्त इसमें रेसिंग वाला फील आ सके। बाइक में रियर और बैक दोनों टायर ट्यूबलेस दिए गए हैं, साथ ही दोनों में डिस्क ब्रेक भी दिए गए। इसके साथ ही इस बाइक में डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल टेकोमीटर के अलावा डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर, डुअल ABS सिस्टम सहित कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं। हीरो XF3R बाइक के फ्रेम को काफी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि राइडर को कंफर्ट जोन में पहुंचा देता है। इसके अलावा बाइक के इंजन लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक के साथ लैस किया गया है। साथ ही बाइक को रफ्तार देने के लिए 6-स्पीड गियर बॉक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो कंपनी के मुताबिक इस बाइक की कीमत 1,85,000 रुपये तक आपको देखने को मिलेगा। हीरो मोटर कॉर्प की इस फ्लैगशिप बाइक को सीधे मुकाबला अगर हम करना चाहें तो TVS अपाची 310, यामा R15, बजाज पल्सर 220 और डोमिनार से किया जा सकता है। बहुत इंतजार के बाद यामा इंडिया ने आखिरकार अपनी नई बाइक यामा FZ25 को भारत में लॉन्च करने का सोच लिया है, जिसकी शुरुआत एक्स शोरूम कीमत 1,19,000 रुपये रखा गया है। इसके लॉन्च के साथ ही यामा 200 और 250 cc के सेगमेंट की सारी गाड़ियों को टक्कर देगी। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो नए यामा FZ25 में 249 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, जो 20.9 PS का पिक पावर और 20 NM का पिक टार्क जनरेट करेगा। साथ ही बाइक में 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आएगी, यानी 5 गियर के साथ इस बाइक को आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का दावा है कि इस बाइक में 43 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी ये बाइक देने वाली है। ये बाइक 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आएगी, इसलिए इस बाइक को उबरे खाबरे रास्ते पे भी आसानी से चलाया जा सकता है। इस बाइक के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट डिस्क है और इसके रियर में यानी पीछे में स्विंग ग्राम डिस्क है। बाइक में LED हेडलाइट, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक मडगार्ड जो स्विंग ग्राम और व्हील के साथ मूव करेगा। पर दूसरी तरफ अगर हम ABS की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें कंपटीशन में मार्केट में उतरने के बाद यामा की इस गाड़ी का मुकाबला TVS अपाची, RTR 200 से और KTM ड्यूक 200 से ये बाइक करने वाली है। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।